प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी, यू आर वॉचिंग मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, तीन चार मार्क्स से पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, दैट इज यूरो एंड भारत स्टैंडर्ड ऑफ एमिशंस ऑफ आईसी इंजिन। सो दिस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एमिशन इन कंट्री यूरोप एंड कंट्री इंडिया। सो दिस इज यूरो एंड समटाइम दिस भारत स्टैंडर्ड इज नोन एज भारत स्टेज स्टैंडर्ड्स ऑफ एमिशन ऑफ आईसी इंजिन। ठीक है, सो वी गोना सी यूरो एंड भारत नॉर्म्स और दे विल टॉक्स अबाउट, ओके, राइट डाउन समथिंग अबाउट यूरो नॉर्म्स एंड भारत स्टेज नॉर्म्स फॉर द एमिशन। तो सबसे पहले समझते है क्या यूरो एंड भारत स्टैंडर्ड ऑफ एमिशन ऑफ आईसी, यानी देखो सबसे पहले एमिशन नॉर्म्स क्या है, क्योंकि ये दोनों एमिशन नॉर्म्स है। व्हेन यू से यूरो नॉर्म्स मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्म्स समथिंग रिलेटेड टू द हार्मफुल कंपाउंड दैट इज एमिटेड फ्रॉम द व्हीकल। सो देयर शुड बी अ सम प्रिस्क्राइब्ड, कुछ लिमिट होगी कि उससे बाहर व्हीकल्स नहीं एमिट कर सकते। तो हम पे सबसे पहले हार्मफुल कंपाउंड कौन-कौन से होते हैं, तो HC, CO, NOx, ठीक है, पर पर्टिकुलेट मैटर होती है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होती है कि जब कंप्लीट कंबशन नहीं होता तो जो कार्बन एसिड्स रह जाती है दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलेट मैटर। तो गवर्नमेंट ने इन चारों चीजों का कुछ डिसाइड करके रखा हुआ है, कुछ लिमिट डिसाइड करके रखी हुई है कि जो भी व्हीकल्स है तो उनकी इन चारों की कुछ लिमिट रखी हुई है, उस लिमिट से ज्यादा आप उस व्हीकल उस एमिट नहीं कर सकता इस कंपाउंड को, इस चारों की कुछ लिमिट सेट कर दी है। ठीक है, अब उससे ज्यादा वो एमिट करेगा तो वो बैन हो जाएगा। सो ऑल द व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैज टू फॉलो द लिमिट्स व्हिच इज सेट अप बाय द गवर्नमेंट। अब यूरोप ने जो करी हुई है तो वो होगा यूरो नॉर्म्स, भारत यानी इंडिया ने जो करी हुई है वो नॉन होता है एज अ भारत नॉर्म्स और यू कैन से भारत स्टेज नॉर्म्स। ठीक है, सो यूरोप की बात कुछ लिमिट है और इंडिया ने भी कुछ लिमिट सेट करके रखी हुई है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि यूरो एंड भारत स्टैंडर्ड्स या भारत स्टेज ये एमिशन नॉर्म्स है। ठीक है, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द एमिशन कंट्रोल कि व्हीकल कितने लिमिट में HC, CO, NOx एंड PM को एमिट कर सकता है, उससे ज्यादा उसने किया तो वो बैन हो जाएगा। अब मैं जब बात करता हूं व्हीकल की तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ पेट्रोल डीजल दोनों के लिए आ गया। तो अब मैं कहीं पे भी व्हीकल बोलूं आपको समझ आना ये रूल लागू पड़ता है दोनों के लिए, पेट्रोल एंड डीजल बोथ। तो ये एमिशन नॉर्म्स है दैट इज प्रिस्क्राइब्ड CO, HC एंड NOx लेवल। ये लेवल जो गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है इससे ज्यादा नहीं हो, कौन सेट करता है, गवर्नमेंट, विच व्हीकल वुड एमिट व्हेन रनिंग ऑन द रोड। तो कुछ लेवल है उसके अंदर ही एमिट कर सकती है, उससे ज्यादा उसने किया तो बैन हो जाएगा। और ये दोनों के लिए होता है पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल बोथ। अब सबसे पहले कौन लेके आया, यूरो या इंडिया, ऑब्वियसली बात है सबसे पहले यूरोप कंट्रीज लेके आया। यूरो नॉर्म्स मींस ये जो नॉर्म्स लागू पड़ते हैं वो पूरे यूरोप में लागू पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूरो नॉर्म्स। सो जो सबसे पहला रूल्स आया था यूरो का उसको बोला जाता है सबसे पहला नॉर्म्स रिगार्डिंग दिस प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग्स। तो पहला जो रूल्स आया था वो आया था 1993 में, जिसे आती इंप्लीमेंटेड ये, तो उसको बोला गया यूरो 1। फिर आगे आगे वो रूल अपडेट होता जाता है, और भी व्हीकल उसमें ऐड होते जाते हैं, सो और बहुत सारी चीजें होती है। फिर आया यूरो 2 सेकंड, वो 1996 में इंप्लीमेंट हुआ। फिर उसके बाद यूरो 3 आया, वो इंप्लीमेंट हुआ 2000 में। फिर आया आपका यूरो 4, वो इंप्लीमेंट हुआ 2005 में। फिर आपका आया यूरो 5 जो इंप्लीमेंट हुआ 2008 में। तो अब तक यूरो 5 यानी टोटल 5 नॉर्म्स आ चुके हैं इन यूरोपियन कंट्रीज। फिर हमने इंडिया में भी सोचा भी हमें भी कुछ करना पड़ेगा, यूरोप वाले कुछ कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, हम बहुत स्मार्ट होते हैं, हम ऐसे लोग होते हैं तुम बनाओ हम यूज करेंगे, है ना। इंडिया का सबसे बड़ा, ये आप समझ लो इंडिया का सबसे बड़ी चीज है, तुम बनाओ हम यूज करेंगे। इसलिए तो बोला जाता है ना अगर आपको कस्टमर ढूंढना, इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री, है ना। तो US और वो साले क्यों उधर आते हैं दौड़ के, इसलिए आते हैं कि भाई पता है इनको यहाँ पे सब बिक जाएगा, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। और वैसे भी हमारा मेंटेलिटी ऐसा है तुम बनाओ हम यूज करेंगे, है ना। कॉलेज में भी ऐसा तो करते हैं, पहले किसी को असाइनमेंट करना है तो फिर कॉपी मार लेंगे यार, क्या है क्या उखाड़ लेना है। तो वैसे ही भारत ने भी सोचा, भारत ने क्या किया, भारत ने भी नॉर्म्स बनाए। ठीक है, वो जाने गए भारत स्टेज नॉर्म्स। कभी कभी भारत स्टेज को BS बोलते हैं, BS, तो समझ जाने का इस टोकियो और भारत स्टेज नॉर्म्स। तो इंडिया, अब इंडिया ने सोचा कि क्या अपने खुद के बना दे, नहीं नहीं यार यूरोप ने बनाए हुआ ना उसका रेफरेंस ले लेंगे, तो वही किया। तो इंडिया ने 2000 में पहला आया जिसको बोलते हैं BS1 भारत स्टेज 1 नॉर्म्स, जिसको इंडिया 2000 भी बोलते हैं। ये इसको अभी कहां से लाए, तो इन लोगों ने इसका रेफरेंस लिया यूरो 1 में से, जो यूरो 1 ऑलरेडी यहां पे बनाया हुआ था वहां से उनका रेफरेंस लिया, और कब इंप्लीमेंट किया 2000 में। उसी तरह सेकंड जो आया उसको बोला जाता है BS2 यानी भारत स्टेज 2 नॉर्म्स, जो यूरो 2 में से लिया गया है वहां से उनको रेफरेंस के तौर से, यहां से जो था उसका रेफरेंस लेके बनाया गया है, और ये इंप्लीमेंट हुआ 2001 में।
फिर आया भारत स्टेज 3, जिसका रेफरेंस लिया गया यूरो 3 में, यूरो 3 में से उसका रेफरेंस लिया गया है और 2005 में इंप्लीमेंट हुआ है। फिर आया भारत स्टेज 4, जो यूरो 4 में से उसका रेफरेंस लिया हुआ है और ये 2010 में इंप्लीमेंट होगा। अभी आगे और भी आएंगे इसके अंदर, ठीक है। सो यूरो के टोटल 5 नॉर्म्स है, भारत के 4 है, यानी यूरो 5 तक है और BS 4 तक है, ठीक है, ये याद रखना है। तो बस यही था, और आपके किताब में अंदर कुछ टेबल और लिमिट वो सब बना के रखी होगी, आपको एक बार देख लेना, क्योंकि वो तो याद रहेगी नहीं, है ना, उसके लिए तो मग्गू बनना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक चीज थी मैंने आपको एक बार बता दी। सो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। सो अब हम इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज फंडामेंटल ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो। आपको वीडियो पसंद आएगा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।